हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद केके में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो असाइनमेंट से रिलेटेड है। आप सभी को पता होगा कि असाइनमेंट बहुत दिन पहले अपलोड हो चुके हैं और उसको सबमिट भी करवाना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा यहाँ पे आपको सबमिट कराना होता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी होता है, जिसके 31 मार्च को कराना होता है जून वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जो दिसंबर बैच के स्टूडेंट होते हैं उनको सितंबर में। परंतु देखिए जो मार्च होता है ये इससे एक्सटेंड हो ही जाता है, हरदम एक्सटेंड होता है, और सितंबर से भी। और तो इसी से रिलेटेड आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, आपके जैसे भी कोड हो, आपको सॉल्व असाइनमेंट अगर चाहिए हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, एमपीएस के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री के हो, पॉलिटिकल के हो, किसी के भी स्टूडेंट्स हो, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सएप करके मेरे को अपने कोड बता सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको कौन से असाइनमेंट चाहिए, तो फिर मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूँगी। तो बस यही आपको इसमें जानकारी देनी थी असाइनमेंट से रिलेटेड। और देखिए स्टूडेंट, असाइनमेंट सबमिट कराना एग्ज़ाम से पहले और लास्ट डेट से पहले असाइनमेंट सबमिट कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं होते हैं तो क्या होता है कि आपके जो पेपर आप दे नहीं सकते हैं, और आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए असाइनमेंट के, क्योंकि असाइनमेंट जो आपके मार्क्स आते हैं, जो आप थ्योरी जो आप लिखती हो एग्ज़ाम में उसके जो मार्क्स होते हैं, उन दोनों को मिला के आपके बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाती हैं। तो इसलिए आपको अगर असाइनमेंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराती हूँ, तो आप उससे रिलेटेड भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी आपको। और देखिए स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, आपको जिस भी मीडियम में चाहिए हो आप मेरे को बता सकते हैं। और इससे में आपको ये भी बताना है कि जिन स्टूडेंट्स के अभी असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आए हैं, वो देखिए स्टूडेंट जाके अपने रीजनल सेंटर जो होते हैं वहाँ पे कांटेक्ट करिए, या फिर आपको जो स्टडी सेंटर होता है वहाँ जाके बात करिए, क्योंकि अब तक जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जून वाले बैच के जो हैं जिन्होंने सबमिट कराया था उनके अभी तक मार्क्स सब शो हो गए हैं, परंतु जो अभी दिसंबर में जिन्होंने अब सबमिट कराए हैं उनके अभी तक मार्क्स शो नहीं हुए हैं, और वो लेट तक होंगे, क्योंकि 31 आपका जनवरी तो लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिट कराने का, तो अभी तो शो हो ही नहीं सकते जो दिसंबर में अभी जिन्होंने कराए हैं। परंतु जिन्होंने जून में कराए हैं उनको ज़रूर से देख लेना चाहिए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम भी हो गए, एग्ज़ाम के मार्क्स भी आ गए, तो उन सबको वहाँ ज़रूर पता कर लेना चाहिए। और क्या कहते हैं स्टूडेंट, अगर आपके एक दो असाइनमेंट के मार्क्स भी शो हो रहे हैं जिन्होंने पहले सबमिट कराया था, तो वो बेफिक्र रहिए, सारे असाइनमेंट के मार्क्स जो हैं वो धीरे धीरे अपने आप शो होने लग जाते हैं, पर आपको तब भी वहाँ से रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। तो बस यही आपको जानकारी देनी थी कि अगर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट देखिए, जो आप वेबसाइट होती है या फिर कोई भी आपको दे बोल रहा हो कि असाइनमेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, फिर आप किसी भी लिंक पे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे पैसे, क्योंकि पेमेंट पहले होती है फिर असाइनमेंट दिए जाते हैं, है ना। तो आप अगर जैसे कि पेमेंट पहले कर रहे हैं तो अधिकतर क्या होता है कि असाइनमेंट नहीं पहुँचते हैं आपके पास, तो इसलिए देखिएगा आप कहीं से भी असाइनमेंट लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ले, किसी भी वेबसाइट से या कहीं से भी ले, तो उसको ध्यान से देखिएगा कि हाँ वो कौन से असाइनमेंट दे रहे हैं, कौन से ईयर के हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऊपर लिखा हुआ होता है 2022 2021, परंतु जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो 90 और 20 का देते हैं, 2019 और 2020। तो इसलिए आप देख के लिया कीजिए, और अगर कोई भी आपको असाइनमेंट दे रहा है तो आप डेमो भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो वीडियो बनाते हैं फिर जिसके बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत लोग उसके कमेंट करते हैं, तो वो थोड़ा ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं। जिसके अब मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप मुझसे लेंगे या किसी भी और भी यूट्यूबर से लेंगे तो ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं। आप देख सकते, पहले तो ये देखिए वो कब से पहले असाइनमेंट प्रोवाइड करवाए या नहीं करवाए, फिर कब से उनका चैनल है, क्योंकि ऐसे कोई फेक कर रहा, परंतु बहुत से ऐसे भी हैं जो रिसेंटली बना के और बोलते हैं हम असाइनमेंट देते हैं जो भी है और वो नहीं दे पाते, तो आप इसलिए उन सबको पहले चेक करिएगा।
क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट सुनी है, मेरे पास जो असाइनमेंट लेते हैं, मैम हमने कहीं और से पेमेंट कर दी परंतु असाइनमेंट हमारा आया नहीं है। और बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे नाइट में अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका असाइनमेंट डाउनलोड नहीं होता है नाइट में, और फिर वो आपको मॉर्निंग में भी नहीं मिलता। तो इसलिए सब चीज़ पढ़ के कि कब से कब तक का टाइम है, आपको कब असाइनमेंट मिलेगा, सब चीज़ को ध्यान में रख के ही आप असाइनमेंट लीजिएगा। क्योंकि आप ये तो है नहीं है कि 5-6 रुपये का असाइनमेंट है, 1-2 रुपये का असाइनमेंट है या 10-15 रुपये का असाइनमेंट है। असाइनमेंट भी थोड़े कॉस्टली होते हैं, और सारे सब्जेक्ट की अगर आप पेमेंट कर देते हैं इकट्ठे तो और ज़्यादा आपको लॉस आपको उठाना पड़ता है। तो अगर कभी भी असाइनमेंट लें, पहले एक असाइनमेंट लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, अगर आपको लगता है हाँ कि इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट है, जो भी है, तो आप उनसे इकट्ठे भी ले सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए जानकारी थी, मे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे को कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।